मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की है। सप्ताह में दो दिन शुक्रवार और सोमवार को ही सेवा चलेगी। हेली टैक्सी सेवा का किराया 3,000 रूपए तय किया गया है। शिमला में चल रहे पर्यटन सीजन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। शिमला के जुब्बलहट्टी हवाई अड्डे से ये हेली टैक्सी चलेगी। एक ही दिन में शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला के बीच उड़ान भरी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में शुरू की जाने वाली इस हेली टैक्सी के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रयोग सफल रहा तो इस सेवा को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सेवा में से पर्यटकों को शिमला आने जाने का एक और विकल्प मिलेगा। कि आज से पहले पर्यटन पर हम बहुत बातें करते रहे और बातें सिर्फ बातें ही रह गई। हमारा यह सौभाग्य है कि प्राकृतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सुंदरता से परिपूर्ण है और टूरिस्ट जो है पूरा देश दुनिया का यहाँ आकर्षित होता है, इस वजह से आता है। लेकिन सरकार की ओर से पर्यटकों को और आकर्षित करने की दृष्टि से कुछ ठोस कदम आज से पहले उठाने की जो कमी रही, उस कमी को पूरा करने का हमने निश्चय किया और आज मुझे इस बात की खुशी है उसमें एक कदम हमने उस दिशा में आगे बढ़ाया और मुझे लगता है कि शायद पूरे देश भर में ऐसी बात सुनने को कम ही मिलेगी। जबकि सरकारी हेलीकॉप्टर जो मुख्यमंत्री के प्रवास के लिए हर प्रदेश में रहता है, उसकी सेवाएं जो है पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए, उनको छोड़ने के लिए, इस दृष्टि से इस सुविधा के लिए इस्तेमाल किया हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण पूरे देश भर में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। एक कोशिश हमारी है, एक प्रयास हुआ है और मैं इस बात को लेकर के बहुत खुश हूं कि आज यहां से जो शुरुआत की है और उस शुरुआत में पूरा जो हमारा इसके हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है 18 सीटें जो यहां से बुक हुई है और चंडीगढ़ से शिमला के लिए भी है। चंडीगढ़ से शिमला के लिए तो मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 18 नहीं 20 वाली वहां पर है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। पर्यटन हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़े, ये हमारा एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को निर्धारित करके हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक फेज हमने यहां से शुरू किया। बहुत जल्दी हम इस सारे मसले को लेकर के हम टेकअप कर रहे हैं कि मनाली से रोहतांग जो है वहां पर हेली टैक्सी का प्रावधान करके जो है पर्यटकों को वहां पर ले जाया जाए और वहां पर उनको ले जाने के बाद उनको लाया जाए और वहां पर नहीं, उसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हमारी इस प्रकार से जो कंपनीज के साथ बात चल रही है उसमें मुझे खुशी है कि पवन हंस जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है उनके साथ हमारी बात हुई, उनके CMD शर्मा जी भी हमारे बीच में, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कंपनी को उससे रुचि दिखाई है SRS में और इन्होंने कहा कि हम भी इस पर कोशिश कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर हेली टैक्सी की सुविधाएं हम शुरू कर सकते हैं। तो मनाली से रोहतांग ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में आने वाला है और यहां आज ये जो शुरुआत हुई है और इस शुरुआत के लिए मैं पावर हाउस का उनका धन्यवाद करता हूं। जैसे ही हमने मामलों के साथ चेकअप किया, उन्होंने कहा कि